अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अच्छा, बहुजन समाज के अंदर एक बात होती है कि लोग बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने मूर्तियां लगवाई जिसके वजह से 2014 के अंदर उत्तर प्रदेश से बहन जी को अपनी सत्ता भी खोनी पड़ गई थी, जो बहुत विषय बड़ा मुद्दा रहा था, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक सत्ता की बात है, सत्ता कोई नहीं थी। सत्ता में पूरी जो बेस वोट है बसपा का, वो बसपा के साथ ही था। कुछ जगह ऐसी गलती हुई कि बसपा दो नंबर पे आई, वो भी बहुत ज़्यादा मतों के अंतराल से नहीं आई थी, बहुत कम वोटों से। बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो है वो मतलब जीत से वंचित रह गई थी जी। वोट परसेंटेज और उसमें फ़र्क नहीं आया। जहाँ तक मूर्ति की बात है, जब पूरे देश में या पूरी दुनिया में जितने भी हमारे देवी देवता हैं या किसी के महापुरुष हैं या किसी के गुरु हैं या कोई संत हैं, जब सबकी मूर्तियां लग सकती हैं, तो क्या बहुजन समाज में जन्मे संतों की मूर्तियां लगाना गलत है? उस समाज के लोगों को जगाना, उन लोगों को उसके प्रति जो है जागृत करना कि ये हमारे समाज सुधारक हुए हैं, ये लोग हुए हैं, उनको बताना। और जहाँ तक बहन जी की मूर्ति की बात है, बहन जी की मूर्ति लगाने में पूरे समाज का हाथ है, पूरे समाज ने कहा, समाज ने रिक्वेस्ट करी कि बहन जी आप प्लीज़ अपनी भी मूर्ति लगाएं, क्योंकि आपने जो करा है समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सब लोगों के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि आपको भी देखना चाहते हैं। और जो भी जितने भी ये हुए हैं वो सारे अब जो है सरकार के अधीन है, सरकार उनमें, सरकार को कमाई होती है, स्वच्छता रहती है, अच्छा लगता है, लोग ब्याह शादी तक वहाँ करने आते हैं, फिल्मों की शूटिंग तक वहाँ होती है। और जो जहाँ पे पूरा जंगल था, जहाँ पे लूट खसोट होती थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे वो पार्क बनने से सुंदरता आई है, स्वच्छता आई है, लोगों की भावनाओं में बदलाव आया है, लोगों को एक ब्रांड मिला है। वो लोग भी चाहते हैं कि हम इस देश का हिस्सा हैं, जो कि अभी आपने भी पहली वर्ड में कहा था कि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम गैर बराबरी को ख़त्म करके और सबको बराबर का अधिकार मिले, तो उन लोगों को भी ये अधिकार है कि उस समाज में जन्मे, बहुजन समाज में जन्मे, जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में वो जाने, देश और दुनिया भी जाने। महापुरुष और संत जो होते हैं वो किसी एक समाज के थोड़ी ना होते हैं, एक समाज के नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, जो भी कांग्रेस आई, बीच में बीजेपी भी दो बार रह चुकी है, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि बहुजन समाज के जो संत हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा, ठीक है, वो लोग पढ़ सकें, उनको देख सकें, सुन सकें, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन लोगों को लोगों ने देखा तो लोग जागृत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे तो इनकी जो जाति और धर्म में बांटने वाली राजनीति वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।